कहा जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने हैं। हम सूर्य भगवान की आराधना उनको देखकर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धरोहर, जिसमें आज हम बात करेंगे ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसीलिए इस मंदिर की संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है, जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हैं और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़ों से खींचा जा रहा है। इस रथ पर सूर्यदेव विराजमान हैं। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे लगता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल और नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही 6 घोड़े नेतृत्व करते दिखाई देते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हा देव ने करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनवाया था। आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने और उसे सुंदर रूप देने में करीब 12 साल का लंबा समय लगा था। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक प्रचलित धार्मिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे नाराज होकर नारद मुनि ने उन्हें कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया था। जिसके बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 सालों तक कष्ट निवारण देव सूर्य का कठोर तप किया था। इसके बाद एक दिन जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में भगवान सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां पर आज यह विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्यदेव मंदिर बना हुआ है। मंदिर की एक चमत्कारिक बात ये भी है कि इस मंदिर के निर्माण में लोहे की प्लेट का भी उपयोग किया गया था, जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था, जो इन खम्भों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव, जो कि लोहे की बनी होती है, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसीलिए उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। वेद पुराणों के मुताबिक सूर्य देव की आराधना से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। भगवान सूर्य के कोणार्क मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। ऐसे ही और मंदिरों की रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम धरोहर।